अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एप्स के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट रिपीटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MoD के एप्स डिस्कस करने वाला हूँ और ये तमाम MCQs MoD के पास पेपर से लिए गए हैं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक बर्वक पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लीबिया? लीबिया के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिपोली। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हिच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चकोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर इज टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर? जहांगीर जो मुगल एम्परर रह चुके हैं उनका मकबरा कहाँ पे मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर में। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी फूल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जैस्मीन यानी कि चमेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस रिवर यानी कि दरियाए सिंध। नेक्स्ट सेंटेंस है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज? दुनिया का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट सेंटेंस के द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज? बांग्लादेश के पहले वजीर आजम का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट सेंटेंस के द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन सिटी इज? दुनिया में सबसे कदीम शहर कौन सा मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है दमास्कस। नेक्स्ट सेंटेंस के द मंचर लेक सिचुएटेड इन? मंचर झील जो है ये कहाँ पे वाकिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दादू सिंध में। नेक्स्ट सेंटेंस है, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय? पाकिस्तान का जो कौमी परचम है जो कि उन्होंने प्रिपेयर्ड किया है तो इसका करेक्ट आंसर है अमीरुद्दीन कदवाई ने। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन डिड फातिमा जिना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? फातिमा जिना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1939 में। नेक्स्ट सेंटेंस है, लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज? दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जो असली की खरीद में सबसे नंबर वन पे है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ मेनी व्हाइट स्टार्स आर ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ द USA? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फ्लैग के अंदर सफेद तारों की तादाद कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 50। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग मैमल? दुनिया में सबसे बड़ा लिविंग मैमल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हिच इज द ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन? आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिडनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ? ड्यूरेंट कप जो है ये किस गेम के साथ वाबस्ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंसियस इन पाकिस्तान वॉज हेल्ड इन? पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1951 में। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टेररिस्ट अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर टुक प्लेस ऑन? जो टेररिस्ट ने अटैक किया था आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर पे ये कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सेनेटर इज इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर? सेनेटर जो है इलेक्ट होता है पाकिस्तान में तो कितनी मुदत के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध इन? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 712 AD में। नेक्स्ट सेंटेंस है, कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी टुक प्लेस इन? कानपुर जो मस्जिद का वाकया कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1913 में। नेक्स्ट सेंटेंस है, एशेज सीरीज ऑफ क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन? जो ऐसी सीरीज है क्रिकेट की ये किन दो कंट्रीज के दरमियान में होती है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम? किन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है?
जिसका करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है, सतपारा लेक इज सिचुएटेड क्लोज टू, जो सतपारा झील है ये कहाँ पे किसके करीब शहर से वाकया है, जिसका करेक्ट आंसर है सिकरदू के। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ लाफिंग गैस इज, जो लाफिंग गैस है इसका क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर किया करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा होता रहे। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी पास पेपर, तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।